जी हेलो नमस्ते सत श्री अकाल जी, मेरे वालों सारे नु वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। एक नए व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। टाइम हो गया जी, कितना हो गया टाइम, 4:15। यहाँ ना बारिश पड़ी नहीं रही है, एक तुबका पड़ता है, दो तुबका पड़ता है, फिर वैसी गर्मी देखो, बाहर हो ही नहीं रहा है, बारिश का कोई समाधान नहीं हो रहा है। कुछ भेजो यार कहीं से बारिश इस जगह भी, या चंडीगढ़ का रास्ता भूल गई, बारिश पता ही नहीं है। 2 महीने हो गए, सुखना लेक भी कहते पानी लेवल उसका पता कितना नीचे चला गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ ये गर्मी एंड नो रेनफॉल। वेरी डिफिकल्ट। आज का जो व्लॉग रहेगा ना गाइस, बेसिकली अभी हम बात करेंगे इसके बारे में कहीं बैठ के। देखो चंडीगढ़ मैंने आपको कितना दिखा दिया, अभी तक काफी घुमा दिया। पिछले 1-2 महीने से हम चंडीगढ़ ही देख रहे हैं, एक आधी ट्रिप इधर उधर जाते होते हैं हिमाचल में, वो एक अलग बात है, लेकिन चंडीगढ़ मैंने आपको बहुत दिखा दिया। लेकिन जो चंडीगढ़ की बेसिक चीज है वो तो मैंने आपको बताई नहीं। जो लोग चंडीगढ़ आते हैं उन्हें चंडीगढ़ समझ क्यों नहीं आता कि कौन, उनको सबको लगता है ये सेक्टर भी ऐसा है यार, ये सेक्टर भी ऐसा है, वो सेक्टर भी ऐसा है, उनको बड़ी कंफ्यूजन होती है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाने के लिए। तो टेंशन नहीं लेना, आज आपका भाई वो नॉलेज देने आया, आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगी आज, वो नॉलेज जिससे आपका इजी हो जाएगा इधर उधर जाना चंडीगढ़ में, आप फटकोगे नहीं। तो बेसिक हम प्लान से शुरू करेंगे चंडीगढ़ का, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे आज। लेकिन गाड़ी कहीं ना कहीं खड़ा के इस विषय पे हम बात करेंगे। उससे पहले हम तिवाड़ी के पास जा रहे हैं, सेक्टर 24 हम पहुंच चुके हैं, रील बनवा लें, फिर पसीनों पसीने हो जाएंगे, कपड़े खराब हो जाएंगे, उसके बाद तो फिर रील बनेगी भी नहीं ना। तो पहले रील बना के फिर आप लोगों से रूबरू होता हूं मैं, इस चीज के बारे में बात करेंगे, छोटा सा व्लॉग रखेंगे इन्फॉर्मेटिव, और फिर दी एंड करेंगे, ठीक है जी। बाकी भेजो यार बारिश प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। तो गाइस जो भी लोग चंडीगढ़ आते हैं, मैं बताता हूँ चंडीगढ़ प्लान कैसे हुआ था। चंडीगढ़ प्लान किया था ली कार्बूजर, जो एक फ्रेंच आर्किटेक्ट थे, ठीक है। उनको बुलाया गया, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का ड्रीम सिटी था ये, तो उनको बसाना चाहते थे चंडीगढ़ को, तो उन्होंने फ्रेंच आर्किटेक्ट बुलाया, उससे डिज़ाइन करवाया सेक्टर 18 या पता नहीं 19 में, 18 में ली कार्बूजर सेंटर भी है, जो आपको पुराने व्लॉग्स में दिखाया, उसमें सारी हिस्ट्री पड़ी है चंडीगढ़ की, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें बनी, शुरू में क्या थी, बाद में क्या थी, कैसे कैसे ग्रो किया शहर, तो उसमें सारी नॉलेज है A to Z। तो बेसिकली जो आप इस चीज़ को छोड़ के आप मेन उस पर आते हैं मुद्दे पर, जो मुद्दा आज का ये है कि जब हम लोग चंडीगढ़ आते हैं तो हम इतने कन्फ्यूज क्यों होते हैं कि सेक्टर एक से सेक्टर दूसरे में कैसे जाना है। अब मैं सारा प्लान बताता हूँ आपको। देखो चंडीगढ़ का जो एक सेक्टर है, पहली बात तो चंडीगढ़ में 13 सेक्टर है ही नहीं, क्योंकि वो 13 सेक्टर अनलक्की मानते थे जो फ्रेंच आर्किटेक्ट थे, ठीक है। तो 13 सेक्टर उन्होंने बनाया ही नहीं, पूरे चंडीगढ़ में 13 सेक्टर नहीं है। अब खैर मनी माजरे को वो लोग बोलने लग गए कि 13 सेक्टर है 13 सेक्टर, लेकिन वो 13 सेक्टर नहीं है इनिशियली, और अब तक 13 सेक्टर चंडीगढ़ में एग्जिस्ट ही नहीं करता, बिकॉज 13 नंबर को अनलक्की मानते थे, 13 बनाया ही नहीं, ठीक है। अब जो पहला सेक्टर है, अब मैं बताता हूँ, 13 सेक्टर नहीं है इसी वजह से 13 के टेबल पे ही सारा चंडीगढ़ बना हुआ है। तो आप एक चीज़ याद रखना, जब भी आप चंडीगढ़ आते हैं बस आपको 13 का टेबल याद करना है, ठीक है जी। 13 है भी नहीं और 13 के टेबल पे ही बना है सारा। अब एक सेक्टर पूरा एक साइड पे ऐसे लंबा सेक्टर, ठीक है, एक सेक्टर के साथ इन्होंने मतलब एक सेक्टर और 26 सेक्टर, जैसे 13 दूनी 26 होते हैं, तो 26 सेक्टर अलग रखा हुआ है, तो ऐसे ही जो एक सेक्टर है वो भी अलग रखा है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम 2 सेक्टर से। 2 सेक्टर के साथ कौन सा सेक्टर होगा कि उसका जो जोड़ है वो 13 बनेगा, इसलिए सबसे पहले है जी 2 सेक्टर, 2 सेक्टर के साथ है 11 सेक्टर, 2 और 11 कितने हुए 13, ठीक है जी। ऐसे फिर 3 सेक्टर है, 3 और 10 कितने हुए, 3 के साथ कौन सा हुआ 10, 3 और 10 कितने हुए 13। फिर आता है जी 4 सेक्टर, 4 के साथ कौन सा नंबर ऐड होगा कि वो 13 बने, 4 और 9 13, ठीक है। फिर 5 सेक्टर आता है, 5 के साथ ऐसा कौन सा नंबर ऐड होगा जो 13 बनेगा, 5 और 8 13, ठीक है। ऐसे ही ये 13 के टेबल पे बनता बनता आगे को चला गया। अब मैं आगे की बात करता हूँ, पहले आ गया 2 फिर 11, अब 2 और 11 तो हो गए 13, अब 11 के साथ ऐसा कौन सा सेक्टर होगा जिसका डबल बने 26, 13 2 26, तो 11 के साथ है जी 15 सेक्टर, 11 and 15 is 26, तो 11 और 15 सेक्टर का जोड़ बन गया 26, 2 और 11 का बन गया 13, ठीक है। अब 11 के साथ है जी 10 सेक्टर, 10 सेक्टर का और 16 सेक्टर का जोड़ कितना हुआ 26, फिर अपना 10 के आगे आ गया 9, 9 और 17 सेक्टर इनका जोड़ कितना हुआ 26, तो ऐसे ही ये सीरीज़ में चलता जा रहा है। अब 26 के आगे जोड़ कितना बनता है 13 3 39, ठीक है। तो 15 के साथ क्या बनेगा आगे जिसका जोड़ 39 बने, अब 39 में से 15 निकाले, अब इतना तो मेरे को भी नहीं आता, 15 और 24 कितने बने 39, ऐसे ही 16 के साथ कौन सा सेक्टर होगा 23, तो जोड़ कितना बना 39, ऐसे ही आगे 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 13 का टेबल है, इसी टेबल पे चंडीगढ़ बना हुआ है, 13 सेक्टर है भी नहीं
और 13 सेक्टर के जोड़ पे आगे बना हुआ है, 13, 26, 39, इसीलिए 26 सेक्टर अलग है अकेला, क्योंकि 26 के साथ क्या ही जोड़ोगे आप, इसलिए 26 अलग है सेक्टर, ठीक है। तो इसी को 13 के टेबल पे सारा चंडीगढ़ बना हुआ है। जिनको ये कन्फ्यूजन है बस चौंक पे खड़ के ये सोच लेना कि कौन सा सेक्टर है किससे, बस जैसे आप किसी भी सेक्टर पे खड़े हो तो उसके साथ जोड़ लेना, तो आपको पता लग जाएगा इसके इधर ये सेक्टर होना चाहिए, इसके इधर ये सेक्टर होना चाहिए। इसीलिए लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती है कि चंडीगढ़ में आ गए यार सारे सेक्टर एक जैसे लगते हैं, इस चीज़ पे सेक्टर्स बनाए हैं। इधर से शुरू करते हुए, लेक से शुरू करते हुए एंड एंड तक ऐसे जाता है 13, 26, 39, तो सारा चंडीगढ़ 13 के टेबल पे बना हुआ है। 13 का टेबल जो है, 13 अनलक्की मानते थे तो 13 सेक्टर उन्होंने बनाया ही नहीं इस वजह से। और सारी ज़मीनें जो चंडीगढ़ की है हिस्ट्री, अब मेरा दोस्त है राजन जो आपने पिछले व्लॉग में देखा कल, वो बिल्कुल चंडीगढ़ जहाँ से ख़त्म होता है कांसल वहाँ रहता है। ये जितने 5 सेक्टर 4 सेक्टर सारी इनकी ज़मीनों पर बने हुए हैं, ये एक्वायर की गई थी ज़मीनें। ये यूनिवर्सिटी है जो पंजाब यूनिवर्सिटी, ये जो खुड्डा लाहौरा में जिनकी ज़मीनें हैं, ये खुड्डा लाहौरा के बिल्कुल पास पड़ता है, ये सारी उनकी ज़मीनें थी, सारे गांव थे, पुआध एरिया पड़ता है, ये पुआध एरिया को काट के इन्होंने चंडीगढ़ बनाया और बसाया। सारे कोई ना कोई गांव है, जैसे अटावा है 42 सेक्टर, वो अभी भी गांव है, उसका नाम अभी भी है, बुड़ैल है, बुड़ैल भी गांव था, ऐसे 8-9 सेक्टर सारे गांव थे। तो इनको काट काट के, इनको एक्वायर कर करके ज़मीनें इनकी यहाँ पे चंडीगढ़ सेक्टर्स बना के चंडीगढ़ को बसाया। वो मेरे को कल बता रहा था कि हमारी ज़मीन होती थी 5 सेक्टर में, हमारे दादा बताता होता है हमारा, हम खुद जाते होते थे, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता था, लेक की जगह एक टोबा होता था सिर्फ सूखा हुआ, लेक तो बहुत बाद में बनी है। तो उसने सारा ऐसे ऐसे मेरे को जो नॉलेज थी वो बताई कि लेक एक सूखा हुआ टोबा था, उसको बनाया है ऐसे, ये कहता हमने खुद बनते हुए देखा, क्योंकि चंडीगढ़ को बने कोई बहुत ज़्यादा साल नहीं हुए, 40-50 साल हुए, तो बचपन था उनका, उन्होंने देखा होगा और सुने भी अपने बाप दादाओं से किससे, तो बताते हैं, तो हिस्ट्री ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो ये था चंडीगढ़ के जो सेक्टर वाइज जैसे बनाया सेक्टर इतने प्लान करके, और बाकी जैसे जैसे आगे ग्रो करता जा रहा है वो तो एक लेटर ऑन चीज़ होगी। बाकी बना सारा 13 के टेबल पे है और 13 सेक्टर है नहीं, और बना यहाँ की ज़मीनों पे है, जो यहाँ के किसान थे या लैंडलॉर्ड थे या फार्मर्स थे जिनकी यहाँ पे ज़मीनें थी, वो एक्वायर होके बना है। 5 सेक्टर जो आज इतनी कीमत है उस सेक्टर की, इतनी महंगी महंगी कोठियाँ मैंने आपको वहाँ दिखाई, 9 सेक्टर में 10 सेक्टर में 8 सेक्टर में 4 सेक्टर में, ये सारी ज़मीनों पर बनी है आसपास के जो एरिया वाले लोग हैं उनकी। ऐसे न्यू चंडीगढ़ भी बन रहा है, न्यू चंडीगढ़ में भी सारी ज़मीनें थी, अब काट काट के वहाँ पे ओमैक्स बन गया है, ये बन गया, वो बन गया है, ज़मीनें एक्वायर हो गई हैं, वहाँ पे भी सोसाइटीज़ बन गई हैं दुनिया भर की, यही वहाँ पे हो रहा है न्यू चंडीगढ़ में, करोड़ों का रेट हो गया है, सरकार एक्वायर करके न्यू चंडीगढ़ बना रही है, ऐसे ही चंडीगढ़ को एक्वायर करके बनाया है इनकी ज़मीनें। तो मेरे को बताता है, तो मेरे को बोल रहा था कि मैं सब बताऊँगा किस दिन बैठ के, उससे बातचीत करेंगे आपा, क्योंकि वो लाइव एग्जाम्पल है इस चीज़ का, लाइव प्रूव है, लोकल है वो यहाँ का। एक होता ना चंडीगढ़ के बंदे यहाँ पे आके बाहर से बसे, वो यहीं के हैं जिसका चंडीगढ़ में गांव है, इमेजिन। एक होता है कि किसी ने आके घर ले लिया दिल्ली से बॉम्बे से, लेकिन वो लोग यहीं आके यहीं पे बसे हैं, उन्होंने ये चीज़ें होती हुई देखी हैं इन ज़मीनों पे, जहाँ पे आज यूनिवर्सिटी बनी हुई है, मैं 25 सेक्टर में बैठा हूँ, यूनिवर्सिटी बनी हुई है इन ज़मीनों पे, किसी टाइम वो अपने पशु चराते थे बताओ, और इस जगह पे आज चंडीगढ़ की कीमत देखो, स्मार्ट सिटी ये वो। तो ये एक फैक्ट था जो आपसे डिस्कस करना था, मैंने सोचा थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए, जो लोग चंडीगढ़ आते हैं उनको कैसे कैसे इधर उधर घूमना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, आज का व्लॉग इतना ही था, इन्फॉर्मेटिव व्लॉग, ठीक है जी, शेयर भी कर देना और कमेंट भी कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, टेक केयर।